हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, विप्रो की तरफ से दो अपॉर्चुनिटी आई है दो अलग अलग प्रोफाइल के लिए, जिसमें ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स दोनों ही एलिजिबल होने वाले हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है ना, तो डिप्लोमा अगर आपने किया है, अगर 23 भी पास आउट हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि डिप्लोमा में आपका 10th 12th का जो परसेंटेज है 50% ही होने वाला है। बट जो दूसरी प्रोफाइल है उस जो जिसमें ग्रेजुएट्स एलिजिबल है, उसमें सिर्फ 60% या उससे अबव या 6 CGPA या उससे अबव थ्रू आउट द एकेडमिक होने वाला है, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर प्रोफाइल है दोनों, ये लास्ट मंथ भी आई थी और इस मंथ भी है, और लास्ट मंथ भी इसकी लास्ट डे थी मंथ की, इस बार भी सेम ही है, ठीक है। सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस की जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि इन फ्यूचर हमें किसी भी प्रकार की किसी भी टॉपिक पे अगर कोई भी न्यूज़ लेके आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और ऑफ कैंपस हायरिंग भी हो तब भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑलरेडी हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, लेटेस्ट न्यूज़ जो भी आई थी आपको हमने दे ही दी थी इन्फोसिस से रिलेटेड, तो वही जो अभी तक की लेटेस्ट न्यूज़ है किसी भी कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार ये सुपर सेट के प्लेटफॉर्म पे अपलोड की गई है विप्रो के द्वारा, और ये होने वाली है वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम वाली, जिसे WILP भी कहा जाता है, और इसकी लास्ट डेट होने वाली 31st of March, ठीक है। तो इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं CTC ब्रेकडाउन के ऊपर, जो आपका मंथली और ईयरली इंक्रीज होने वाला है। मंथली जो आपको मिलेगा 15,000 और ईयरली इंक्रीज होते होते सेकेंड ईयर आपका 17, थर्ड ईयर आपका 19, और सबसे अच्छी बात इसमें ये होने वाली है ना कि आपको ज्वाइनिंग के दौरान 75,000 आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलने वाला है, ठीक है। आप उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो आपका 60% होने वाला है थ्रू आउट द एकेडमिक्स, और जो ग्रेजुएशन जो बैकग्राउंड होना चाहिए आपका वो BSc और उसकी स्ट्रीम कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड फिजिक्स में से ही होनी चाहिए। BCA और BSc वाली एलिजिबल हैं, और पासिंग ईयर आपका 21, 22, 23 ही होना चाहिए। और उसके अलावा अदर क्राइटेरिया की अगर बात करें तो अगर आपका मतलब मैक्सिमम थ्री ईयर गैप वाले अप्लाई कर सकते हैं, ओपन स्कूल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपकी एक ही बैकलॉग होनी चाहिए ड्यूरिंग द ऑनलाइन टेस्ट, और इनके जो फेजेस है वो भी लिखे हुए हैं, ऑनलाइन टेस्ट, बिजनेस राउंड, और आपका ना 5 ईयर का ये क्या बोलते हैं बॉन्ड होने वाला है, यानी कि 16 मंथ का, तो ये होने वाला है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई ज़रूर करना। बाकी ना अप्लाई करने के लिए आपको सुपर सेट की ID बनानी होगी, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे चैनल पे आके यहाँ पे ना सर्च करना है, अगर सुपर सेट की ID आपने सेटअप करनी है, सुपर सेट आपने यहाँ पे पूरा लिखना है, ठीक है। जैसे ही आप लिख के सर्च करोगे तो आपको एक वीडियो दिख जाएगी, लगभग देख सकते हो 56,000 व्यूज है, काफ़ी अच्छी इंगेजमेंट भी है। बाकी मैं आपको ना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड भी कर दूँगा, ताकि आपके लिए भी ईजी हो जाए। एक तो ये ना हर बार जब ये आता ना बहुत गुस्सा आता है, एक तो ऐड आती है तो ऐड तो हमेशा चलती ही रहती है। बाकी ना मैं आप इस वीडियो में लगभग 13 से 14 मिनट की वीडियो है, बाकी मुझे याद नहीं है प्रॉपर, बाकी हम देख लेते हैं। हाँ, ये 13 मिनट की वीडियो, इसमें मैंने स्टार्टिंग टू एंड जितने भी इसके मतलब स्टेप होते हैं सभी हमने कवर किए हैं, देख सकते हो वन बाय वन, और क्या बोलते हैं जॉब अप्लाई करने से ले तक, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो आप, सबसे पहले आपने सेटअप करना है, उसके बाद अप्लाई करना है। तो जैसे आपने देख लिया तो यही सारी चीज़ें आपके लिए एप्लीकेबल होने वाली हैं, तो वन बाय वन तो होने वाली सेम है। इसमें भी लगभग आपका 60 मंथ का बॉन्ड होता है, मतलब कि 5 साल का, और इसमें भी 21, 22, 23 वाले एलिजिबल हैं। और इसमें ना सबसे अच्छी बात यह है कि आपका 10th एंड 12th में 50% और डिप्लोमा में 60% है, ठीक है। क्योंकि ये इसकी प्रोफाइल है ना स्कूल ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट 2023 की है, और ये भी आपकी 4 साल के लिए होती है, स्टाइफन इसका 12 से लेके। बट इसमें ये चेंज है ना कि आपको जो 75,000 जो आपका इसमें मिल रहा होता है इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड तो अप्लाई ज़रूर करना। बाकी आपको अप्लाई करने के लिए आपको ID बनानी पड़ती है, तो आपने देख ही लिया, तो अगर आप दोनों में से किसी में भी इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।